डिग्रियां लेकर इलम पर दस्तर अस्पार कर छलकते लफ्ज आंखों से ना पढ़ पाओ तो जाहिर हो। लेकिन आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अनरोमांटिक है, ये शेर उसके साथ फिट नहीं बैठता, तो इसको हम शायद साहब से माजरत के साथ अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। अर्ज किया है, हजारों डिग्रियां लेकर इलम पर दस्तर अस्पार कर एक मैट्रिक पास पटवारी कॉन्स्टेबल और लाइनमैन से निपट ना पाओ तो जाहिर हो। अब ये काफ़ी इशाफी आपको भी सेट कर लीजिएगा, असल में मैसेज कन्वे हो चुका है आपको। मकसद ये था कि आप डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने के लिए सारी ज़िंदगी किताबों में घुसे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये मैट्रिक पास लोगों के सामने जाते हैं आपकी बोलती बंद हो जाती है। वजह क्या है कि बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो मेरे ख्याल में हमें प्राइमरी के लेवल पर मिलना चाहिए, वो जब आपको मिल भी रहा होता है जैसे अभी मिल रहा है तो आप अभी तवज्जो नहीं देते, और जब फिर उनसे वास्ता पड़ता है तो फिर आप भागते हो इधर उधर। असल में मुझे एक लड़के की कॉल आई, फिल्में देख देख के उसका भी शायद लॉ काफ़ी अपडेट हो चुका था, मुझे कहने लगा साहब मुझे ना हिस्सा चाहिए अपने वालिद से। मैंने कहा आपके वालिद साहब बहुत हो गए हैं, नहीं कहता वालिद साहब तो दिन रहा। फिर मैंने कहा हिस्सा किस चीज़ में चाहिए आपका, उसमें कोई शेयर था आपने, कोई इन्वेस्टमेंट की थी? नहीं कहता जी वो तो कोई मैंने नहीं की उसमें, उनके बिजनेस में मैंने कहा आपने कोई इन्वेस्ट किया है, घर में किया है? नहीं जी कहता कोई नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अच्छा, मैंने उसे बताया कि भाई एक तो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी आपका कोई हिस्सा नहीं है, वो वालिद की प्रॉपर्टी है, उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी उसको खर्चे अपनी ज़िंदगी में, और जो इनहेरिटेड है वो भी उसकी है और उसे भी वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। विरासत उस वक्त जनरेट होती है जब उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद आप पहले उनके कर्ज अदा करेंगे, उनके वाजिबात अदा करेंगे अगर कोई हैं, उसके बाद उनकी बेवा को 1/8 हिस्सा मिलेगा, अगर वालदैन उनके पेरेंट्स जिंदा हैं तो दोनों को 1/6 हिस्सा मिलेगा, उसके बाद आप जो बहन भाई हैं उन्हें पूरे 1/4 के हिसाब से हिस्सा मिलेगा उनके फौत होने के बाद, फिर आप तो विरासत में हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। जीते जी आपका उनकी विरासत में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि विरासत ही नहीं है। मरने के बाद वसीयत में किसी को गिफ्ट 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176 और शायद 13 भी अगर आप पूरी पढ़ लें तो आपको सारा ये विरासत का कानून की काफ़ी सारे पहलू समझ आ जाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता था, बहुत आप तो सिर्फ वीडियो देखते नहीं हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ सबका जवाब देने की। अगर किसी का जवाब देना मिस हो गया हो तो माजरत, और जो मेरे वकील दोस्त मुझे अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन दोस्तों का जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ इस डर से लाइक नहीं करते कि कहीं उनके एक लाइक कर देने से मैं स्टार ना बन जाऊँ, तो उन सब के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।